हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज सभी के साथ बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी एक रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जो कि आप कभी भी बना सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। आप चाहे तो इसे चावल के साथ या रोटी के साथ भी परोस सकते हैं। तो आज शेयर करेंगे आपके साथ लौकी गोश्त की रेसिपी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है 400 ग्राम्स बीफ। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने मीट फैट और बोन मिला के लिया है। काफ़ी सॉफ्ट है गोश्त, तो सबसे पहले इसे हम बॉईल करेंगे। इसके लिए इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा सॉल्ट, 2 टीस्पून डालेंगे इसमें रिफाइंड ऑयल और 1 टेबलस्पून डाल दिया है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। टी कप में 1 कप इसमें पानी डाल दिया है, बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालेंगे। अच्छे से इसे मिला देंगे। लीड लगा के इसे लो टू मीडियम फ्लेम में हम 3 विसल दे के गला लेंगे। दोस्तों, 3 विसल दे के वहाँ पर मैंने गोश्त गला लिया है, लेकिन उसका जो लीड है मैंने अब तक नहीं हटाया है, उसे डीप प्रेशराइज होने तक रख दिया है। तब यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया है, यहाँ पर डाल दिया है तेल। इसे हम गर्म करने के बाद यहाँ पर 1 से 1.5 बड़े साइज़ का प्याज ऐड करेंगे। दोस्तों, ये हम पे डिपेंड करता है कि गोश्त में हमें कितना ग्रेवी चाहिए। जिस हिसाब से हमें ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम यहाँ पर प्याज को ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 बड़े साइज़ का प्याज ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं इसमें कलर आ गया है। अब यहाँ पर जो गोश्त मैंने गला के रखा था उसे ऐड करेंगे। गोश्त में से जो है पानी रिलीज़ हुआ है और मैंने 1 कप पानी डाल दिया था, तो काफ़ी सारा स्टॉक जो है वहाँ पर मौजूद है। तो जब भी हमें यहाँ पर पानी की ज़रूरत होगी, पानी के बदले हम स्टॉक को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। दोस्तों, पहले भी मैंने नमक का यूज़ किया है, अब सालन के हिसाब से, लौकी के हिसाब से हम नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर भी ऐड कर दिया है। अब लो फ्लेम में सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम टू लार्ज साइज़ का जो आलू है उसे यूज़ किया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसे काट लिया है, 2 हिस्सों में से काटा है। अब लो फ्लेम में दोबारा से हम इसे मिक्स करना स्टार्ट करेंगे जब तक ना इसमें कलर आ जाए। दोस्तों, आप देख सकते हैं कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब भी थोड़ा सा स्टॉक जो है बाकी है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके उसे यूज़ करेंगे और गोश्त आलू को एक साथ भूनते रहेंगे जब तक ना प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाए और यहाँ पर जो है अदरक लहसुन का जो कच्चा स्वाद है वो हट जाए। आप देख सकते हैं मैंने 5 मिनट तक लो फ्लेम में से भूना है। अब यहाँ पर मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम यहाँ पर डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून या 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून यहाँ पर डालेंगे जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर यहाँ पर डालेंगे काट के 1 टीस्पून। अब दोबारा से हम अच्छे से मिक्स देंगे ताकि बहुत ही अच्छे से गोश्त के साथ, आलू के साथ यहाँ पर मसाला जो है पक जाए, नहीं तो वो कच्चा स्वाद रिलीज़ करेगा अगर अच्छे से हम इसे स्टर ना करें। लेकिन ये हमें करना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्टॉक जो है अभी भी बाकी था, तो मैंने वो भी यहाँ पर डाल दिया है। अब ये ख़त्म हो गया है। अब ज़रूरत पड़ने पर हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे, गुनगुना गर्म पानी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से पक गया है। यहाँ गोश्त ले लिया है 400 ग्राम्स, तो उस हिसाब से लौकी यूज़ कर रही 300 ग्राम्स। सारा जो लौकी है मैंने इस शेप में इसे काट लिया है। अब फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो है गोश्त के ऊपर मैंने लौकी डाल दिया है, नहीं तो जो सालन है वो नीचे से बिल्कुल लग जाएगा। तो यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है। हम यहाँ पर फ्लेम को जो है बिल्कुल लो कर देंगे और यहाँ 2 से 3 मिनट के लिए हम यहाँ पर लीड लगा के ऐसे ही छोड़ देंगे। दोस्तों, 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि लौकी जो है थोड़ा सा नरम हो गया है। और एक बात भी आपको बता दें, बहुत ज़्यादा पानी पहले नहीं यूज़ करना है, क्योंकि लौकी से भी पानी रिलीज़ होता है। तो यहाँ पर समझकर हमें पानी का यूज़ करना है, इसीलिए थोड़ा सा इसे कवर करना है जब तक ना लौकी में से अच्छी तरह से पानी निकल जाए। तो उसका ही पानी जो छोड़ेगा लौकी पानी, उसी पानी में हम अच्छे से इसे पहले हाफ पकाएंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि पहले लौकी बिल्कुल उसके साइज़ में था, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा यह नरम हो चकर गल चुका है। जिस कुकर में मैंने गोश्त को गलाया था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है और उस हिसाब से ही यहाँ पर डाला है जितना कि मुझे सालन का जो ग्रेवी है चाहिए।
आपको जिस हिसाब से चाहिए आप उतना ही पानी डालिएगा। ज़्यादा एक्सेस पानी की यहाँ पर यूज़ ना करें, नहीं तो ये जो टेस्ट है वो बिगड़ भी सकता है। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी डाल दिया है, नमक अपने हिसाब से डालिएगा। इसमें बॉयल आ चुका है, अब इस स्टेज में यहाँ पर हम गरम मसाला ऐड करेंगे। उबाल आ चुका है, अच्छे से मिक्स देंगे। उसके बाद यहाँ पर लीड लगा के ढक के हम मीडियम फ्लेम में तब तक इसे पकाएंगे जब तक ना जो ग्रेवी का टेक्सचर है अच्छे से हमारे मनपसंद तरीके से आ जाए। दोस्तों यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम में रख के लौकी गोश्त को पका लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है और जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उतना ग्रेवी बिल्कुल मौजूद है। ये जो बड़ा सा बोन है ये डालने का ये मकसद है कि बहुत ही टेस्ट जो है इस हड्डी से निकलता है, इसलिए मैंने लौकी के करी में इसे डाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे लौकी गोश्त की जो करी है बहुत ही अच्छी तरीके से बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप जो आपके पास जो थोड़ा सा भी गोश्त अगर मौजूद रहे तो आप इसमें से बना सकते हैं, चाहे वो रेड मीट ही क्यों ना हो, आप आसानी से इसे बनाएं और परोसे। आई अश्योर यू आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।